मैं फिल्म के हिसाब से ही बोल सकता हूँ ऐसे, वरना मैं अपने बारे में ऐसे बातें करूँगा तो अजीब लगेगा अपने आप को, मैं कुछ लव गुरु समझने लग गया हूँ। हमारे फिल्म के हिसाब से या कहानी के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि अगर जो इंसान एक दूसरे को माफ़ कर सकता है, माफ़ी मांग सकता है अगर गलती हो जाए। रिश्तों में बहुत गलतियाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, दरार आ जाती है। और ये हम टेलीविज़न पर अभी बहुत सारे शोज़ करके आए हूँ, जितने भी डेली सोप्स होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है ना रिश्तों में, तो देख के मैं हैरान ही रह गया यार। I think the importance of promotion depends on the way you want to promote a film. If you have a film which you claim to be the big film with big ticket prices coming out on a big holiday like ours, our film claims to be a family film. We are very clearly trying to tell you that come with your whole family, come with your kids, come with your mother, sisters, girlfriends, everyone. Which means a lot of expense for a regular person going into a cinema theater today. I think it's only right the promotion should inform people what they're getting into. आई डोंट नो, ऐसा होता रहता है और मुझे समझ भी नहीं आता है, मैं बड़ा एम्बेरस होता हूँ इस बारे में। लेकिन क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस संभालते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, रोहित हिमसेल्फ दिस ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, माय होल टीम विद वेंकी, गौरव एंड करीम एंड करुणा, सो मेनी पीपल वर्क टूवर्ड्स दैट बिजनेस, सो आई कांट अंडरमाइन देयर इंपॉर्टेंस। अब जैसा फिल्मों में होता है कि फिल्म जो है कोई और बनाता है, जैसे रोहित बनाता है शक्ल हमारी दिखाई जाती है, तो बिजनेस कोई और करता है, मेरे लिए शक्ल मेरी चिपका देते हैं फोर्ब्स पे, सो आई एम हैप्पी।